यह सच्ची कहानी शुरू होती है 1981 के सैन फ्रांसिस्को में, जहां क्रिस नाम का एक आदमी पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहा होता है। हर सुबह वह अपने बेटे जूनियर को डे केयर में छोड़कर स्कैनर बेचने के लिए शहर के अस्पतालों में जाता है। दुर्भाग्य से स्कैनर बहुत महंगा होने के कारण उसको बेचना क्रिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब जब भी वह बस लेता है तो अक्सर उसकी मुलाकात एक पागल आदमी से होती है जो स्कैनर को टाइम मशीन कहता है। कभी कभी क्रिस को स्कैनर बेचने के लिए ज्यादा समय तक बाहर रहना पड़ता है, इसलिए उस समय वह अपनी वाइफ लिंडा से अपने बेटे को डे केयर से लाने की जिम्मेदारी देता है। इससे वह हमेशा परेशान रहती है क्योंकि पूरे परिवार का रोटी कपड़ा के लिए अक्सर वह डबल शिफ्ट में काम करती है। एक रात डिनर के दौरान क्रिस को रूबिक्स क्यूब मिलता है, जो 1981 के हिसाब से एक नया ट्रेंड होता है, जिसे लिंडा के एक दोस्त ने उसे गिफ्ट दिया होता है। अब लिंडा क्रिस से पूछती है कि क्या उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया है। इस पर क्रिस कहता है कि उसके पास एक बननी नहीं है, इसलिए वह टैक्स भरने के लिए एक्सटेंशन लेने वाला है। उस रात क्रिस क्यूब के साथ खेलता है और इसे अविश्वसनीय रूप से तेजी से सॉल्व कर देता है। अगली सुबह जब क्रिस अपनी डेली सेल के लिए निकलता है, तो वह एक आदमी को एक बहुत ही फैंसी स्पोर्ट्स कार से बाहर निकलते हुए देखता है। अब क्रिस उससे पूछता है कि वह क्या काम करता है, और वह आदमी जवाब देता है कि वह एक स्टॉक ब्रोकर है। इस पर क्रिस को लगता है कि इसके लिए तो लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज जाना होता होगा, लेकिन वह आदमी कहता है कि इतना टाइम की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस नंबर्स के साथ खेलना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना आना चाहिए। इसे देखकर कि उस फर्म में काम करने वाले कर्मचारी कितने खुश हैं, क्रिस सोचता है कि जिंदगी तो इनकी है, हम तो बस जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। अगली सुबह क्रिस लिंडा को बताता है कि उसे शाम को देर हो जाएगी, क्योंकि वह स्टॉक ब्रोकर जॉब के लिए अप्लाई करने एक ऑफिस में जा रहा है। अब यह सुनकर लिंडा को हंसी आ जाती है और वह सोचती है कि यह निकम्मा आज एक और बहाना मार रहा है, और बदले में क्रिस उससे कहता है कि वह उससे इस तरह बात न करे, जिससे उनके बीच फिर से एक झगड़ा शुरू हो जाता है। खैर, किसी तरह झगड़ा शांत होता है, लेकिन तभी लिंडा उसे याद दिलाती है कि उन्हें 2 महीने का किराया भी देना है। कुछ समय बाद क्रिस नौकरी के लिए एक ब्रोकरेज फर्म में जाता है। यह फर्म हर 6 महीने में 20 लोगों को काम पर रखती है, लेकिन काम केवल एक को ही मिलता है। अब जेंटलमैन बनने की चाहत में वह स्कैनर को सड़क पर गा रही एक लड़की के पास छोड़ देता है और उसे इसकी देखरेख के लिए कुछ पैसे देता है। एक बार अंदर जाने पर क्रिस नौकरी का डिटेल सुनना शुरू कर देता है और उसे एप्लीकेशन मिल जाता है, लेकिन अचानक वह खिड़की से देखता है कि लड़की तो स्कैनर के साथ फुर्र हो रही है। अब एप्लीकेशन हाथ में लेते हुए क्रिस तुरंत भागता है। शहर और स्टेशन के बीच से उसका पीछा करते हुए वह लड़की के पीछे भागता रहता है, लेकिन लड़की ट्रेन में बैठकर 9:02:11 हो जाती है। अगले दिन क्रिस लिंडा से पक्का वादा करता है कि वह स्कैनर बेच लेगा ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके, लेकिन पहले वह भरे हुए एप्लीकेशन को जमा करने के लिए फर्म में जाता है। वह इसे व्यक्तिगत रूप से रिसोर्स डिपार्टमेंट मैनेजर जे को देना चाहता है ताकि वह उसे अपने बारे में कुछ बता सके और उस पर अपना अच्छा प्रभाव डाल सके, लेकिन जे जल्दी में होता है और उसे बाद में कॉल करने का वादा करता है। इसके बाद क्रिस उस गाने वाली लड़की और उसके साथी को स्कैनर के साथ भागते हुए देखता है। गुस्सा होकर वह उनका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह अपनी पूरी जिंदगी की बचत उन स्कैनर्स पर खर्च कर चुका होता है। क्रिस के लिए स्कैनर खोना मतलब किराने का 1 महीने का सामान खोने जैसा है। बहुत दौड़ने के बाद क्रिस दोनों को बस में घेर लेता है और स्कैनर वापस ले लेता है। अब इसका मतलब यह है कि जब वह घर लौटता है तो उसके पास जो पहले से स्कैनर था उसे बेचने के बजाय अब उसके पास 2 स्कैनर हो चुके हैं। लिंडा को यह बहुत निराशाजनक लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस दिन जूनियर का हैप्पी वाला बर्थडे होता है, इसीलिए उसके मम्मी पापा कुछ पैसों का जुगाड़ करके उसके लिए एक बास्केटबॉल खरीदते हैं। अब जब जूनियर खेलने में बिजी होता है तो लिंडा क्रिस की गैर जिम्मेदारी से नाराज होती है। 1 महीने बाद क्रिस जे से मिलने जाता है और पूछता है कि उसके एप्लीकेशन का क्या हुआ, लेकिन जे जल्दी में होता है तो क्रिस दिखावा करता है कि वह भी उसी रास्ते पर जा रहा है ताकि वे एक साथ टैक्सी ले सके, और एक बार फिर क्रिस अपने स्किल के बारे में बात करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। हालांकि जे का ध्यान अपने रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने पर होता है, लेकिन यह काम जे के अवकाश से बाहर होता है। निराश होकर क्रिस उससे क्यूब ले लेता है, और जब तक कैब जे के मंजिल पर पहुंचती है तब तक वह उसे सॉल्व कर लेता है। यह देख जे एकदम ही अचंभित हो जाता है, फिर भी वह टैक्सी से उतर जाता है और अब क्रिस को किराया देने के लिए कहता है। अब जाहिर है कि क्रिस के पास चवन्नी तक नहीं है, इसलिए क्रिस एक सिग्नल पर कार से उतरकर भाग जाता है, जिससे टैक्सी ड्राइवर उसका पीछा करता है। हताश क्रिस ट्रेन स्टेशन की ओर भागता है और ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन ट्रेन का दरवाजा उसके हाथ पर दर्दनाक तरीके से बंद होता है, जिससे उसका स्कैनर स्टेशन पर ही गिर जाता है। इस पूरे सौदेबाजी में क्रिस बहुत लेट हो जाता है, इसलिए जब वह लिंडा से माफी मांगने के लिए कॉल करता है तो वह अब की बार
और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह जूनियर को लेने के चक्कर में अपनी शिफ्ट मिस कर गई थी और उसे इस पैसे की जरूरत थी। अब यह गलती क्रिस की अंतिम गलती होती है, इसलिए लिंडा कहती है कि वह घर छोड़कर जा रही है और जूनियर को अपने साथ ले जा रही है। यह सुनकर निराश क्रिस अपने घर वापस भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लिंडा पहले ही अपने बेटे और अपना सारा सामान लेकर जा चुकी होती है। उसी समय क्रिस को जे का फोन आता है जो क्रिस को अपने सेक्रेटरी का नंबर लिखने के लिए कहता है ताकि वह कल कॉल कर सके और इंटरव्यू की डेट ले सके, लेकिन क्रिस को अपने घर में एक पेन भी नहीं मिलता है तो वह नंबर याद करने की पूरी कोशिश करता है। फिर वह कुछ कागज उधार लेने और नंबर लिखने के लिए पास की एक दुकान में जाता है। अगली सुबह क्रिस डे केयर में जाता है और लिंडा को बताता है कि कल क्या हुआ था। लिंडा बताती है कि वह अब उसके साथ खुश नहीं है और जब क्रिस उसे घर छोड़कर जाने पर मान जाता है लेकिन बच्चा उसके पास ही रहता है, अब तो लिंडा की सैलरी के बिना पैसे की स्थिति और भी खराब हो जाती है। जब मकान मालिक आखिरकार क्रिस से किराया मांगने से थक जाता है तो वह सुबह उससे रूम खाली करने के लिए आता है क्योंकि उसे कमरे को पेंट कराना होता है। इस पर क्रिस कसम खाता है कि वह जल्द ही पैसे चुका देगा और वह खुद पेंटिंग कर सकता है, इसलिए मकान मालिक उसे एक और सप्ताह देने के लिए राजी हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब क्रिस दीवारों पर पेंटिंग कर रहा होता है तो दो पुलिसकर्मी घर पहुंचते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहां उसे अपने सभी पार्किंग टिकटों का पेमेंट करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि आज उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे कुछ दिन तो आराम से कटेंगे। अगली सुबह क्रिस अपने पहले दिन इंटर्नशिप पर जाता है जहां उसे ट्रेड के बारे में पता चलता है। क्रिस बहुत कड़ी मेहनत करता है और यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परेशानी होने के बावजूद वह कभी किसी को पता नहीं चलने देता है कि वह गरीब है। लंच ब्रेक के दौरान क्रिस अपने बॉस मिस्टर फ्रोहम को सड़क पर देखता है और उनसे चापलूसी के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वह उसी पागल आदमी के पास अपना मेट्रो स्टेशन पर गिरा हुआ स्कैनर देखता है जो अब भी स्कैनर को टाइम मशीन समझता है। क्रिस तुरंत उसके पीछे जाता है सड़क पर और ट्रैफिक के बीच उसका पीछा करता है, लेकिन आखिर में वह एक कार की चपेट में आ जाता है जिससे वह स्कैनर लेकर क्रिस के आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन इस टक्कर में उसका एक जूता भी खो जाता है, इसलिए वह शांति से एक जूता के साथ ही ऑफिस में लौट आता है। अगले कुछ दिनों तक क्रिस ऑफिस मैनेजर फ्रैंकिश की मदद करता रहता है और ग्राहकों से मिलने के लिए फोन करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। मामले को बदतर बनाने के लिए क्रिस को जल्दी निकलना पड़ता है, इसलिए उसे दूसरों के समान काम कम समय में पूरा करना पड़ता है। इसके कारण क्रिस कभी फोन नहीं काटता, कभी पानी भी नहीं पीता है ताकि उसे बाथरूम में न जाना पड़े। वह होटल मैनेजर से बचता है क्योंकि उस पर उसका पैसा बकाया है। अब एक दिन क्रिस बिना किसी प्लानिंग के अपने लिस्ट से रैंडम कॉल करने लगता है और आखिरकार टॉप लेवल के पेंशन फंड मैनेजर मिस्टर रिबन के साथ एक अपॉइंटमेंट लेने में वह सफल हो जाता है, लेकिन उसे 20 मिनट के अंदर उनके ऑफिस पहुंचना होता है। क्रिस बिल्डिंग से बाहर निकलता है लेकिन फ्रैंकिश उसे रोकता है और अपनी कार कहीं और पार्क करने के लिए कहता है। कोई दूसरा विकल्प न होने पर क्रिस जितनी जल्दी हो सके पार्किंग करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह मीटिंग में पहुंचता है रिबन पहले ही जा चुका होता है। अगली सुबह क्रिस रिबन के घर जाता है यह दिखाते हुए कि वह अभी अभी इस इलाके में आया है। वह उनके टाइम के लिए रिबन को धन्यवाद देता है और फिर से माफी मांगता है। फिर वह दिखाता है कि वह जूनियर को फुटबॉल दिखाने के लिए जा रहा है। इस पर रिबन उससे बताता है कि वह भी अपने बच्चे के साथ जा रहा है, इसीलिए वह क्रिस और जूनियर को अपने प्राइवेट बॉक्स में उनके साथ आने के लिए इनवाइट करता है। खेल के दौरान क्रिस रिबन पर अपने सेल्स स्पीच की कोशिश करता है, लेकिन रिबन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। हालांकि क्रिस को रिबन के अमीर दोस्तों का कार्ड मिलते हैं जो इन सभी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इसके बाद क्रिस को अपनी इंटर्नशिप और स्कैनर्स की बिक्री के बीच जिंदा रहने की पूरी कोशिश करते हुए कई सप्ताह बीत जाते हैं। हालांकि आखिरकार वह दिन आ जाता है जब सरकार क्रिस के बैंक खाते से उसके बकाया टैक्स का पैसा काट लेती है, जिससे वह टूट जाता है। हताश होकर क्रिस अपने एक पुराने दोस्त से उधार दिए गए पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि उसने उसके पैसे पहले ही दे दिए थे। इस पर क्रिस गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त अपना दरवाजा बंद कर देता है। कुछ समय बाद क्रिस अपने बेटे को पार्क में ले जाता है और स्कैनर के साथ उस पागल आदमी को फिर से देखता है। इस बार क्रिस तुरंत उसके पीछे जाता है और अपनी मशीन वापस ले लेता है जो अब काफी खराब हो चुकी होती है। क्रिस इसे साफ करता है और एक डॉक्टर को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मशीन काम नहीं करती है। जब क्रिस और जूनियर अपने घर वापस लौटते हैं तो उनका सामान बाहर होता है और किराएदार द्वारा किराया न देने के कारण दरवाजे पर ताला लग चुका होता है। क्रिस ताला तोड़ने और खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसका मतलब है कि वे अब बेघर हैं, क्योंकि उसका मकान मालिक भी अपना दरवाजा नहीं खोलता है। क्रिस जूनियर को ट्रेन स्टेशन ले जाता है तो जूनियर बताता है कि स्कैनर कोई टाइम मशीन नहीं है, जैसा कि उस पागल आदमी ने कहा था। इसलिए इस दुख की घड़ी में क्रिस उसे बताता है कि
यह टाइम मशीन ही है और उसको खुश करने के लिए एक गेम शुरू करता है जिससे वे टाइम ट्रैवल करते हैं और डायनासोर देख सकते हैं। फिर क्रिस कहता है कि अच्छे गुफा वासियों को एक गुफा की जरूरत है, इसीलिए वे स्टेशन के बाथरूम में घुस जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वे दोनों टॉयलेट में पेपर पर रात बिताते हैं और जब जूनियर सो रहा होता है तो क्रिस बहुत रोता है। अगले दिन क्रिस और जूनियर एक होमलेस शेल्टर में जाते हैं, लेकिन वे उन्हें अंदर नहीं आने देते क्योंकि यह केवल महिलाओं और बच्चों के लिए होता है। लेकिन वे एक और शेल्टर के बारे में जानकारी देते हैं। वे वहां जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं दौड़ते हैं क्योंकि लाइन लंबी है और जगह कम होती है। वे एंट्री गेट पर सही समय पर पहुंच जाते हैं जब केवल चार जगह ही बची होती है, तो एक आदमी आखिरी स्थान चुराने के लिए लाइन के बीच में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस तुरंत उससे लड़ता है। और जब सुरक्षा कर्मी सुनते हैं कि उस आदमी ने चीटिंग की है तो क्रिस को आखिरी कमरा मिल जाता है। अब इस शेल्टर में क्रिस धुंधली रोशनी में स्कैनर को ठीक करने और इंटर्नशिप एग्जाम के लिए पढ़ता है। अब जब भी वह काम पर जाता है तो अपनी सारी चीजें अपने साथ ले जाता है और अपने कॉलीग को यह समझाने के लिए कोई न कोई बहाना बनाता है कि वह अपना पूरा बोरिया बिस्तर क्यों लेकर आता है। अगले दिनों के दौरान क्रिस अपने पास इकट्ठा किए गए कार्डों की बदौलत कुछ ग्राहकों को फर्म में लाने में कामयाब हो जाता है। एग्जाम के दिन वह बहुत घबराया हुआ होता है, लेकिन फिर भी वह परीक्षा बहुत जल्दी खत्म कर लेता है। बाहर जाते समय क्रिस की मुलाकात फ्रोहम से होती है जो अभी अभी टैक्सी से निकला होता है। क्योंकि वह जल्दी में होता है इसलिए वह क्रिस से कैब के किराए के लिए उसे 50 रुपए उधार देने के लिए कहता है। अब क्रिस के पास गिने चुने ही पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी मन महसूस कर दे देता है। इस देरी की वजह से क्रिस को इस बार शेल्टर में कोई कमरा नहीं मिलता है, इसलिए वह और जूनियर ट्रेन में सो जाते हैं। अगले दिन क्रिस पैसे के लिए अपना खून बेच देता है और इन पैसों से स्कैनर के कुछ पुर्जे खरीदता है। आज वे समय पर शेल्टर पर पहुंच जाते हैं और क्रिस अपनी मशीन ठीक कर लेता है। अब बिस्तर पर जूनियर को लगता है कि क्या उसकी माँ उसकी वजह से चली गई। इस पर क्रिस उसे कहता है कि ऐसा नहीं है रे पगले। अगले दिन वे स्कैनर बेचने में कामयाब हो जाते हैं और जूनियर को बेहतर महसूस कराने के लिए क्रिस उसे एक रात के लिए होटल में ठहराता है। इसके बाद एक इंटर्न के रूप में आखिरी दिन क्रिस वॉशरूम में जे से मिलता है जो उसे कई ग्राहक लाने के लिए बधाई देता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। बाद में क्रिस को फ्रोहम के ऑफिस में बुलाया जाता है जहां उसे बताया जाता है कि अब उसे परमानेंट जॉब मिल गई है जिसे वह बहुत चाहता था, जिसे उसे कल से ही संभालना होगा। और सौदा पक्का करने के लिए फ्रोहम क्रिस को उसके 50 रुपए वापस कर देता है। जैसे ही क्रिस बिल्डिंग से बाहर निकलता है वह रोता है और बताता है कि उसके जीवन का यह वह हिस्सा है जिसे खुशी कहा जाता है। इसके बाद क्रिस अपने बेटे को लेने जाता है और उसे कसकर गले लगाता है और वह अपना नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार होता है। आखिरकार असली क्रिस ने अपनी खुद की $multi-million ब्रोकरेज फर्म खड़ा कर देता है और फर्म में अपनी माइनॉरिटी स्टेक बेचकर करोड़ों कमाता है। क्रिस अपने पूरे अनुभव का डिटेल देते हुए एक बहुत ही सफल बुक भी लिखता है। दोस्तों, आपको फिल्मी फियर का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कसम से बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।